महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की रार अभी खत्म नहीं हुई कि उससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई को टिकट दिया। इसके अलावा मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बताया कि उद्धव गुट ने अपने 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई की उम्मीदवारी की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे के इस कदम से सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस में दिखी है। वहीं सीट बंटवारे पर बांद्रा पूर्व से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी की प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, शिवसेना यूबीटी द्वारा सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारी की घोषणा से पता चलता है कि वे अपने सहयोगियों के रूप में कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देते हैं और इसका सम्मान करते हैं। यूबीटी शिवसेना के खिलाफ बोलने के लिए मेरी आलोचना की गई, लेकिन एक दिन लोगों को एहसास होगा कि गठबंधन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के कैरियर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। वहीं महाविकास आघाड़ी में अभी 3 सीट पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। पहली सीट भिवंडी, जिस पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार दोनों ने अपना दावा ठोका है। एनसीपी का कहना है कि वो सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस पर अपने बड़े नेता सुरेश काशीनाथ तवाड़े को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। दूसरी सीट दक्षिण मुंबई की है, जिसे कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। वहीं सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इस सीट से अरविंद सावंत को मौका दिया। वहीं एक सीट सांगली है, जिस पर कांग्रेस और शिवसेना का मामला फंसा हुआ है और हाल ही में शिवसेना ने इस सीट पर चंद्रहार पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार है, बुल्ढाना नरेंद्र खड़ेकर, यवतलाम वासिम, संजय देशमुख मावल, संजोग वाघरे पाटिल, सांगली चंद्रहार पाटिल, हिंगोली नागेश पाटिल आष्टिकर, संभाजीनगर चंद्रकांत खैरे, धारशिव ओम राजे निवाकर, शिरडी बाउसाव बागरोचे, नासिक राजाबाव वाजे, रायगढ़ अनंत गीते, ठाणे राजन विचारे, सिद्धुदुर्ग रत्नागिरी, विनायक राउत मुंबई उत्तर पूर्वी, संजय दीना पाटिल मुंबई दक्षिण, अरविंद सावंत मुंबई उत्तरी पश्चिम, अमोल कीर्तिकर मुंबई दक्षिण मध्य, अनिल देसाई परभणी, संजय जावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। महाराष्ट्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को 8 सीटों के लिए होगा। इसके अलावा तीसरे चरण में 7 मई को 11 सीटों पर वोटिंग होगी और चौथे चरण में 13 मई को 11 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही पांचवें चरण में 20 मई को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।